हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रहा हूँ ढाबा स्टाइल पनीर। तो इसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा काजू और मगजतरी लिया है और पनीर लिया है और मसाले खड़ा मसाला लिया है और तेज पत्ता और आधा दालचीनी, खड़ा धनिया, एक इलायची, बड़ी इलायची, लवंग ये लिया है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में और हम तेल को गरम करेंगे अच्छे से। और तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें खड़ा मसाला। एक बार मैं चेक कर रहा था कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा और अब डाल रहा हूँ खड़ा धनिया और सौंफ वगैरह, एक बड़ी इलायची, दो लवंग ऐसा डाला और अदरक मिर्ची लहसुन डाला है और साथ ही में डाल दूँगा काजू और वो मगजतरी। वो 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे उनको भी और डाल देंगे प्याज। प्याज हम सारे डाल दिए हैं और पकाएंगे प्याज को, अच्छे से पकाना है प्याज को, गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें, एक बार फिर से चेक करते हैं गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है अभी तक हमारा प्याज। और अब हम डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी हम अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट। और नमक डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी गल जाए। और अच्छे से मिक्स करेंगे और ये न्यू ट्रिक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा डाल दिया धनिया। हरा धनिया डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसी में, ग्रेवी में डालने से। और अब हम सारा मसाला डाल देंगे, हल्दी में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से पका कर हम इसे अलग बर्तन में निकाल देंगे। और यहाँ पर बन चुका है और मैं अलग निकाल रहा हूँ इसको ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे हम मैंने वापस कढ़ाई रख दी है और डाल रहा हूँ हींग और लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगा। और अब डाल देंगे ग्रेवी जो हमने पीस ली थी, वो मसाला पकाया हुआ मसाला को। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चम्मच घुमाएंगे ताकि हमारा पेस्ट चिपके नहीं करे में। अगर क्यों नहीं घुमाएंगे तो ये काजू डाला हुआ है तो इसके लिए वो चिपक जाता है कढ़ाई में, तो इसके लिए हमें घुमाना चाहिए चम्मच। इसी प्रकार हमें अच्छे से घुमा घुमा कर पकाना है मसाला जब तक तेल न छोड़ दे। तो हमारा मसाला भी थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। तो मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अगर ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और क्या कमी हो तो भी कमेंट करके बताएं कि ये कमी है तो नेक्स्ट टाइम हम सुधारेंगे बिल्कुल। और अब हम मसाला तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, पनीर में ऐसे ही डालता हूँ हमेशा, क्योंकि फ्राई किया हुआ उसमें तेल ज़्यादा हो जाता है, ऑलरेडी तेल ज़्यादा हो गया था इसमें, तो हम तेल की वजह से मैं फ्राई नहीं करता हूँ। और अगर आप करें ना चाहे तो भी कर सकते हैं पनीर फ्राई, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो मुझे तो ऐसा वाला पनीर पसंद है, इसके लिए मैं ऐसे ही रख डालता हूँ हमेशा, मैंने तब कभी फ्राई नहीं करता हूँ।
और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट ढकेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जो मिक्सी का जार था उसी में मैंने पानी डाल दिया था और इसी में मिक्स कर रहा हूँ ताकि हमारा मसाला बचा हुआ भी इसमें आ जाए। और अच्छे से मिक्स करके हम ढककर इसे पकाएंगे। तो देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी है। इस प्रकार आप भी बनाएं। और मैंने कोई और दूसरा गरम मसाला नहीं डाला है, सब वो पहले डाला वही है। ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे भी ऑलरेडी मसाला बहुत ही था तो मैंने नहीं डाला, और अगर आपके इच्छा के अनुसार डालते हैं तो अलग बात है। और कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है हमारी, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं दोस्तों, ताकि मैं आगे आपके लिए न्यू न्यू वीडियो ला सकूं। और हमेशा आप अच्छे ही कमेंट करते हो और करते रहना चाहिए, और मेरा सपोर्ट हमेशा साथ बनाए रखना। थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। और लास्ट में हम ऐड करेंगे धनिया। धनिया से अच्छा गार्निश करने से अच्छा सब्जी का फिनिशिंग आ जाता है अच्छा। और देखिए मैं चम्मच से देख रहा हूँ कितना अच्छा बना। बाय बाय, टेक केयर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।